जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडी ब्रेन्स पे। तो साथियों देखिए, आप लोग के एडमिट कार्ड जो है सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि 17 जुलाई को होने वाले हैं, उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं और आपको मैंने अपडेट थोड़ा देर पहले दिया था। बट यहाँ पे जो है डाउनलोड एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कुछ बच्चों को जो है परेशानी हो रही है कि कैसे डाउनलोड करेंगे। तो वहाँ पे तो ये चीज़ें जो तो मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया था अपने फ़ोन से आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। बट इसी बीच जो है कुछ बच्चों को परेशानी आ रही है कि उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो कैसे डाउनलोड करेंगे प्रॉपर वे में, जहाँ की आप लोग को जो परेशानी आ रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए क्या करना होगा। आप लोग को जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, लिंक को खोल लीजिएगा और फिर वहाँ पर जो है ये डायरेक्ट वाले पेज में यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पहुँच जाइएगा, ठीक है। ये वाला सेक्शन में भी आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, डाउनलोड हॉल टिकट फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये वाला पेज में आप डायरेक्ट पहुंच जाएगा। जो लिंक जो मैं जूम दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यहां पहुंच जाएगा। अब देखिए यहां पे दिक्कत क्या आ रहा है आपको मैं बता दूं, थोड़ा इसको जूम कर ले। देखिए ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला सीआईटीएस रेफरेंस नंबर, देखिए यहाँ पे थोड़ा लड़कों को ये समझ में आता है कि यहाँ डालना क्या है, ठीक है। बहुत लड़कों को टेलीग्राम ग्रुप जो है, ऑल इंडिया टेलीग्राम ग्रुप जो है, तो डिस्क्रिप्शन वो भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ऐसे वहाँ पे भी बस ये क्वेश्चन किए जा रहे हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों की कॉमन समस्याओं पर एक वीडियो दे दूँ। देखिए ये चीज़ों में यहाँ पे सीआईटीएस रेफरेंस में आपको क्या देना है, फिर डेट ऑफ बर्थ में भी बहुत लड़के जो है मतलब कि एंटर नहीं कर पा रहे, किस तरह से एंटर करना है, इन दोनों चीज़ों को अच्छे समझ लीजिए। अब देखिए सीआईटीएस रेफरेंस नंबर जो है ना, ये वास्तव में है क्या, आपने जो फॉर्म भरा था तो फॉर्म जो भरे होंगे तो प्रिंट या तो आप कैफे में भरे होंगे या अपने फ़ोन से भरे होंगे, तो लास्ट में जो है प्रिंट आपने करा होगा अपना जो है ये फॉर्म को। अब ये फॉर्म जो है, फॉर्म में आप जब सबसे ऊपर में देखिएगा तो सीआईटीएस का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर जिसका कि स्टार्टिंग होता है सीआईटीएस ऐसे करके, आइए। या अगर आपको, अगर आपके पास वो आपने सेव करके नहीं रखा है, ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिए कि आप जो है अपना लॉगिन कीजिए, ठीक है। जो जो अति है वहाँ पे मतलब कि लॉगिन सेक्शन में, वहाँ पे ईमेल डालिए, मोबाइल नंबर डालिए और लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद ऊपर में आपको दिखेगा आपका सीआईटीएस का जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो दिखेगा, ठीक है। या नहीं तो आप अपने फ़ोन में या फिर ईमेल में चेक कीजिए, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आया हुआ होगा, ठीक है। तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को डालना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। देखिए साथियों यहाँ पे जो है एक कैंडिडेट है, इनका यहाँ पे देखिए ये जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। सीआईटीएस रजिस्ट्रेशन नंबर देख पा रहे हैं, CITS22AU56992, इस तरह का ये हो गया आपका रेफरेंस नंबर का, ये सीआईटीएस या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये देखिए प्रिंट है यहाँ पे, ये पूरा जो है अप्लीकेशन फॉर्म जो भरा हुआ है उसी का ये पार्ट है, ये वाला चीज़ आपको वहाँ एंटर करना है, सिंपल समझ लीजिए। तो साथियों देखिए यहाँ पे हमने जो इसको एंटर कर लिया है और बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपको डालना है, ऐसा नहीं है कि ये वाला सीआईटीएस जो लिखा हुआ इसको हटा के डालिएगा, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है, डाल दिए। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कैसे डालिएगा, देखिए जैसे मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 28 अगस्त 1996, ठीक है, तो 28 अगस्त का क्या होगा, तो 08 होगा, ठीक है, 96, तो 1996 ऐसे करके पूरा ये जो डिजिट्स देख रहे हैं इस तरह से लिखे हम, इसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए। मतलब 28 यहाँ लिखिए, उसके बाद 08 लिखिए, उसके बाद 1996 मतलब 1996 साथ में लगातार बिना स्पेस दिए, ठीक है, यहाँ पे लिखिए। जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं, देखिए लिख रहे हैं, देखिए 28, ठीक है, मार्च रहता अगर तो 03, जनवरी रहता तो 01, ऐसे ही 28 अगस्त के लिए 1996, ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब ये डालने के बाद कोई स्पेस उसपेस हम नहीं दिए हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये जो कैप्चा को देख रहे हैं YYTGST, इसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे हम इसको एंटर कर देंगे YY स्मॉल में, देखिए दिया गया है आपका YYT और देखिए यहाँ पे GST ये डाल दिया। अब यहाँ फाइनली हम लोग क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट जैसे ही करेंगे आपका डाउनलोड करने के लिए एडमिट कार्ड आ जाएगा ऑप्शन, चलिए मैं दिखाता हूँ करके, आइए यहाँ पे सबमिट करते हैं, इस यहाँ पे क्लिक करते हैं हम, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझा। देखिए जैसे हमने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे पार्ट आ गया है क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, देख लीजिए यहाँ पे क्लिक हेयर। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे हम, देखिए जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि डाउनलोड अगेन, आप पहले डाउनलोड नहीं किए तो यहाँ पे सिर्फ डाउनलोड का ऑप्शन दिखाएगा। हम पहले इसको डाउनलोड किए थे, पहले जो वीडियो बनाए थे उसके लिए डाउनलोड किए थे, यहाँ पे डाउनलोड अगेन का ऑप्शन दिखा रहा है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे देखिए डाउनलोड हमारा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हो चुका है डाउनलोड, देख रहे हैं ये डाउनलोड हमारा हो चुका है। तो इस तरह से अपना डाउनलोड कर लीजिएगा और देखिए इसको मैं ओपन भी आपके लिए कर दूँ।
तो देखिए ये जो है डाउनलोड हो चुका है, जहाँ की रोल नंबर है, एग्जाम सिटी है, नेम ऑफ जो है एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया है, कितना तारीख को एग्जाम है, देखिए 17 को एग्जाम है, फिर यहाँ पे सिटिंग कौन सा है, वो सब सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। रही बात है सिग्नेचर का, देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन आप लोग आ रहा है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट अभी नहीं करना है, सेंटर पर पहुँचिएगा उसके बाद सिग्नेचर कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर इन्विजिलेटर जो रहेंगे वो भी अपना साइन करेंगे और आपको भी साइन करना होगा उन्हीं के सामने, तो अभी नहीं कीजिएगा। चलिए अब गाइडलाइंस वगैरह सब जो है उसके लिए मैं प्रीवियस वीडियो दिया हूँ, सीआईटीज की तैयारी कराई जा रही है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे जितने भी अपडेट्स होंगे, चाहे प्रोविजनल एडमिशन हो, चाहे फाइनल एडमिशन हो, ठीक है, चाहे काउंसलिंग वन, काउंसलिंग टू, चाहे क्लासेस वगैरह, सभी कुछ आपको अपडेट यहाँ मिलता रहेगा, ठीक है। हर एक अपडेट आपको मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें देखिए क्लासेस भी अभी चल रहे हैं, क्लासेस को जरूर देखिएगा, और जो है आज भी आप लोग को एक वीडियो मिल जाएगा, फिर कल भी मिलेगा, अभी एग्जाम तक आप लोग को मिलता रहेगा। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।